हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो अगर आपने बिहार बोर्ड से क्लास टेंथ का एग्ज़ाम दे रखा है तो आपके माइंड में सिर्फ पांच बातें चल रही होगी। पहली बात कि कब आएगा बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का रिजल्ट, दूसरी बात कि कितने बजे आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने डेट बता दिया तो टाइमिंग भी चल रहा होगा, चलिए कितने बजे आएगा। तीसरी बात ये है कि कैसा होगा आप लोग का रिजल्ट, जैसा कि आपने देखा पिछली बार, अभी जस्ट दो दिन पहले आप लोग का रिजल्ट आया है 6 जून को, जिसमें साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम अच्छा गया, बाकी साइंस और आर्ट्स में तो देख ही रहे हैं साइंस में मात्र 45%। तो तीसरा माइंड में चला होगा कि कैसा होगा आप लोग का रिजल्ट। चौथा कि किस वेबसाइट पर आप लोग का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। और पाँचवा चल रहा होगा कि जब आपके रिजल्ट्स हो जाएं, यानी आपका एग्ज़ाम्स अच्छा खासा चल जाए, आपके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे खासे आ जाएं, तो आगे की तैयारी क्या करें, ठीक है, कैसे करें, किस क्षेत्र में आपको जाना बेटर रहेगा, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले ट्वेल्थ की स्टडी के लिए। तो इन सभी टॉपिक पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, समय लगेगा इस वीडियो में, 8 मिनट 10 मिनट की ये वीडियो बनेगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा माइंड खुल जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो नीचे देखिए, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, आई होप कि अभी आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करिएगा, एक नोटिफिकेशन घंटा का बेल बन के आएगा, वो नोटिफिकेशन का बेल है, उसके लिए आपको कोई फीस, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं सब्सक्राइब करने पे पैसे तो नहीं लगते, जी नहीं, सब्सक्राइब करने पे और बेल बटन दबाने पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए, फिर हम इन पाँच बातें इन पाँचों पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि देखिए हमारी जो वीडियो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आने वाली है। देखिए, जो ट्वेल्थ के स्टडी के बारे में जो हमने बताया वो भी बिल्कुल सही आया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, कब आ रहा है बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का रिजल्ट। तो देखिए, वैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस बात को, लेकिन और भी जो चार बातें हम डिस्कस करेंगे वो आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो उन चारों बातों पर हम डिस्कस करेंगे। पहले इस पहले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, कब आ रहा है बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का रिजल्ट। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, कोई 20 जून को आप लोग का रिजल्ट आएगा। आपको पता होगा, मेरे हिसाब से आधे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो उसके बारे में आप लोग को पता नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो कब आएगा बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का रिजल्ट, 20 जून को। दूसरा क्वेश्चन है, कितने बजे आएगा। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट के बारे में, वो 100% बिल्कुल सही हो गया था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फेक हूँ तो आप पिछली वीडियो को देखिए, बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की वीडियो, एक एक बात आपको सच मिलेगी, कितने परसेंट पास हुए, कितने फेल हुए, ठीक है, सारा कुछ मैंने बताया था। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की रिजल्ट का जो टाइमिंग था वो 4:30 था, तो यही टाइमिंग मैं फिर से रखता हूँ, यानी 4:30 से 5 बजे, 20 जून शाम 4:30 से 5 बजे के बीच, यानी 4 से 5 बजे के बीच आप लोग का रिजल्ट क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। कुछ समय लगेगा आपको वेबसाइट पे देखने के लिए, लेकिन फिर भी क्लेरिफाई हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन टॉपिक आपका है, कैसा आएगा रिजल्ट। देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड हर बार लापरवाही करती है, कुछ ना कुछ गलती, 35 में 38 दे दिया, 35 नंबर के क्वेश्चंस थे, 38 मिल रहा है, 60 के जगह 68 मिल रहे हैं। तो जब बोर्ड ट्वेल्थ के रिजल्ट में लापरवाही हुई, एक बच्चे ने नीट में अपना क्वालिफाई कर दिया और वो बेचारा ट्वेल्थ में फेल हो गया। सोचिए, जो स्टूडेंट नीट में अपना अच्छा खासा रैंक ला सकता है वो कभी ट्वेल्थ में फेल हो ही नहीं सकता। तो ये बिहार बोर्ड की लापरवाही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं तो एक छोटा सा हूँ। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ख़राब जाए, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां तो फिर देखने को ज़रूर मिलेगी। अब ये खामियां क्या रहेगी इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको खुद पता चलेगा, यानी आप लोग का रिज़ल्ट
कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहेगा। फिर जो है प्रतिशत पास जो है वो कम रहेंगे। जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि हर एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न करेगा, वैसा इस बार भी वही हाल है, कुछ वैसा होने जाना नहीं है। चौथा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस वेबसाइट पे आएगा। तो देखिए, हमने बताया था सरकारी exam.com पे भी देख सकते हैं, सरकारी result.com पर भी देखते हैं, बिहार बोर्ड देखिए सबसे पहले आएगा biharboard.nic.in, ठीक है। दूसरा आएगा biharboard.ac.in, फिर सरकारी result.com पे मैंने बता ही दिया, फिर हिंदुस्तान टाइम्स वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सब वेबसाइट को आप विज़िट करिएगा। सबसे पहले विज़िट करिएगा सरकारी एग्ज़ाम biharboard.nic.in, इस पर आप विज़िट करिए, इस पर सबसे पहले आएगा। नोटिफिकेशन देखिए अभी आप खोल के, हो सकता है नोटिफिकेशन आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कुछ ही दिन में आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आगे की तैयारी कैसे करें, तो देखिए आगे की तैयारी के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ड्रीम क्लासेस को, तो आगे जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है 11-12 की स्टडी करेंगे, तो उनके लिए 11-12 की वीडियो ड्रीम क्लासेस पे अपलोड हो रही है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल को विज़िट करके, ठीक है। साइंस वालों को मैंने बता दिया। सेकेंड ऑफ ऑल जो बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ड्रीम क्लासेस पे एकदम 110% आइए, ठीक है, आपको आना अनिवार्य है आर्ट्स वाले बच्चे, क्योंकि हमारी जो वीडियोस है, हमारा जो चैनल है, इस पे आर्ट्स के जितनी भी वीडियो हैं एकदम फुल कॉन्सेप्ट में बनाई जा रही है, जो आपको बैंकिंग SSC बैंकिंग छोड़ दीजिए SSC CGL और रेलवे के लिए भी काम आएगा, और 11-12 के स्टडी के लिए, ठीक है। यानी अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो एकदम अनिवार्य हो जाएगा। अगर आज नहीं आओगे, आज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, कुछ दिन बाद ज़रूर हमारे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी आपको स्टडी के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो जितनी भी वीडियो आती है आर्ट्स की, फुल कॉन्सेप्ट कहानी की तरह एकदम स्ट्रक्चर लेक्चर की तरह एकदम, जिसको हम बोल सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए अभी थोड़ी हमारे चैनल पे वीडियोस कम मिल पाएगी, ठीक है, पर फिर भी वो भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं 11-12 में, उनकी भी वीडियो जल्द बन जाएगी, रिजल्ट आने दीजिए, वीडियो बनना स्टार्ट 11-12 का। यानी तीनों माध्यम के लिए ड्रीम क्लासेस हो गया। और देखिए पांचवा टॉपिक हम ये डिस्कस करते हैं, आपको लेना क्या चाहिए था। आपको देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 10 पास किया, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के पीछे दौड़ जाते हैं 11-12, बेचारा क्या होता है 40% 35% रिजल्ट होता है सारे बच्चे पे। तो देखिए इस गलती को फिर से मत दोहराइए, हो गया, अब किसी के बहकावे में मत रहिए, आप अपने दिल से पूछिए आपको पढ़ना क्या है, आपको बनना क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ठीक है, साइंस इज़ बेटर, ठीक है, मैथ बायो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो मैथ के जगह बायो रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हमें SSC रेलवे LDC UDC CGL UPSC PCS UPPC जो भी रहे BPSC, ठीक है, यानी इन सबों की तैयारी करनी है, फोर्स की तैयारी करनी है, बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस BSF CISF, अगर इन सबों की तैयारी करनी है तो क्या ज़रूरत है आर्ट्स साइंस लेने की। इट्स बेटर आर्ट्स, क्योंकि जो आपके सिलेबस होंगे इन सभी चीज़ों की, वो आपको आर्ट्स का ही सिलेबस तो रहेगा ना 11-12 का टोटल A to Z। तो अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना है तो प्लीज़ मैं एक दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ साइंस मत लीजिए। प्रतिष्ठा होता है ना, अपने आप पे घमंड मत करिए, फालतू का रिजल्ट बैक हो जाएगा 1-2 साल, देख ही रहे हो, मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोग देख रहे हो। तो क्या करना है, मत लीजिए साइंस, आर्ट्स पे ठीक है। जो बच्चे बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए कॉमर्स या अकाउंट्स वगैरह CI जो भी हो, ठीक है, इन सबों के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए कॉमर्स बेटर रहेगा। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि किन सभी बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा, प्लीज़ एक कमेंट करिए अपना नाम एड्रेस, ताकि मुझे बहुत खुशी हो सके। और आई होप कि इस चैनल पे जितने भी बच्चे होंगे इस वीडियो पे, सभी बिहार के होंगे, क्योंकि टॉपिक ही हमने बनाया बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट, नहीं तो आप हमें कमेंट करिए। मैं बस देखना चाहता हूँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमारी इस वीडियो को फुल देख पाए, पूरा देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप फिर से कभी कोई कमेंट करिएगा, कोई रिक्वेस्ट करिएगा, तो आपके कमेंट पे हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग एक्टिव सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ड्रीम क्लासेस पे विजिट करते रहिए। चैनल पे यूट्यूब खोलिए, ड्रीम क्लासेस सर्च कीजिए, ब्राउन कलर का लोगो मिलेगा, फटाक से एंट्री कीजिए, विजिट करिए, एक्टिविटी को देखिए, सारी वीडियोज़ को देखिए,
बैंकिंग, SSC, रेलवे की तो हजारों, मतलब 200-300-250 वीडियो आराम से आपको मिल जाएगी, और कुछ महीने में 1000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू विजिट करते रहिए।